सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैंने डिस्कस किया हुआ था एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के बारे में। उससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसके बारे में पूरा मैंने लेक्चर ले चुका हूं। इसको पूरा पूरा जाके देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ होता क्या यार? ग्राफ होता है कि भाई बिना किसी वर्ड को बोले हुए, बिना एक लफ्ज बोले हुए क्या काम करो, पूरी बात बता दो। जैसे एग्जांपल के लिए तो आज तो हमारा होगा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ग्राफिकल अप्रोच। तो सबसे पहली बात, ग्राफ होता क्या है, चलो बात करते हैं। अगर मान लो ऐसे कोई लाइन है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ऐसे देखते होगे, ये बहुत ज्यादा देखते होगे, ऐसे ही नॉर्मली मैच वैच में देखते होगे। ठीक है, ऐसे बना हुआ, दो तीन ग्राफ बने होते हैं, फिर ऐसा हो गया। तो उसके मतलब क्या हुआ यार कि अगर मान लो दो लोगों में कोई मैच चल रहा है, दो लोगों में कोई कुछ भी कंपटीशन चल रहा है, तो ये पहला वाला अगर मान लो इसका नाम ए दे दिया जाए, ये बी है, तो ये क्या हो रहा है कि ए वाला बहुत आगे हर जगह, लेकिन बी वाला क्या हुआ, इससे पीछे पीछे पीछे, लेकिन धीरे 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 कवर करते फिर क्या हुआ, देखो आगे निकल गया। तो पता क्या चला भाई, ये जो ये वाला ग्राफ है, बी वाला, ये इससे इसका ज्यादा वैल्यू हो गई, ये जीत गया, ये हार गया, लेकिन पहले ये हार रहा था, पहले ये जीत रहा था हमेशा, लेकिन लास्ट में पता नहीं कौन सा छक्का मारा जीत। ठीक है, तो ग्राफ क्या काम करता है, देखो ऐसे ही ग्राफ क्या काम करेगा, बिना कुछ देखे वैसे बता देगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसको हम एक लाइन ग्राफ बोलते हैं, लेकिन ये लीनियर ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ क्या रहेगा, ऐसे गोल गोल बना रहेगा। देखते होगे जब पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डालो, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो क्या है इंडिया की आबादी, तो ऐसे ऐसे कंट्री वाइज ऐसे रहेगा। देखो तो इंडिया इतना बड़ा सा ले लेगा, चाइना इतना बड़ा सा ले लेगा, दोनों तो एक कवर कर लिए, बाद में छोटे 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 हिस्से में रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा रहेगा इंडिया, ये लिखा रहेगा चाइना, फिर लिखा है यूएसए, कैनेडा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, कुछ वर्ड नहीं लिखा कि भाई पॉपुलेशन किसका क्या है, कुछ नहीं, लेकिन आपको ना इस ज्यादा से ही पता चल गया, इसका नाम पाई चार्ट है, पाई ग्राफ। तो इससे हमें पता चल गया भाई कि ये जो आबादी है ये ज्यादा है। तो कहने का मतलब समझ में आना, ग्राफ क्या काम करता है, किसी भी बड़ी चीज को, कोई भी चीज को, कंपटीशन को, किसी दो चीजों को कंपेयर करके बिना किसी वर्ड को बोले हुए ऑटोमेटिक सारी बात बता देता है। तो ग्राफिकल नॉलेज हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलकर हम ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई डॉक्टर ही बन जाए, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो भाई डॉक्टर्स को ना कभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, तो डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट कैसे मिलता मालूम है, ऐसे ऐसे बना रहेगा, ऐसे चार्ट है, तो ऐसे चार्ट है, तो ये चार्ट है, तो ये चार्ट है, ये थोड़ी ना लिखा रहता। मशीन क्या काम करती है, लोग मशीन बता देती है कि भाई इसको ये पेन है, ऐसा ऐसा यहाँ की हड्डी टूटी है, ऐसा कुछ नहीं बताती है मशीन। मशीन क्या काम करती है, जैसे एक ग्राफ के फॉर्म में पूरा एक्सरे हो गया, या कोई भी सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई ले लिया जाए, कोई भी आप अगर रिपोर्ट देखा जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसे ग्राफिकली बना रहेगा, नीचे से बहुत सारा एमआरआई कराओ, देखो ऐसे बहुत ज्यादा अलग कलर के ग्राफ रहेंगे, ये ऐसे लगा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है, तो जब तक अगर कोई इंसान ग्राफ के बारे में जान नहीं पाएगा, तब तक उसको क्या अच्छा खासा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज, हर मशीन जो होती है, मशीन क्या काम करती है, मशीन आपको बताती नहीं है स्पेशली कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, मशीन क्या काम करती है, जस्ट वो पूरा पूरा शेप को निकाल देगी एक ग्राफ फॉर्म में, और आप चेक कर लोगे कि भाई क्या है, क्या कंडीशन है, क्या नॉर्मल के लिए, क्या 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 एबनॉर्मल के लिए होता है, सारा चीज निकाल सकते हो। तो उसके मतलब ग्राफ जो है बहुत बड़ा हिस्सा है समझने के लिए, इसी वजह से पढ़ाया जाता है सब चीजें, ग्राफ जो है हमें इसीलिए जो है इसको सिलेबस के अंदर डाला गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो आज हम बात करेंगे यार कुछ पार्टिकुलर, ये तो बहुत हो गया कोई भी बात करो ग्राफ के बारे में, कुछ पार्टिकुलर चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ग्राफ है यार, सोचो मतलब कितना सिलेबस आपका आसान है, सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वो दोनों हो गया तो वेलोसिटी और स्पीड हो गया, वो वेलोसिटी और स्पीड हो गया तो एक्सेलरेशन मिल गया, डी एक्सेलरेशन मिल गया, उसके बाद ये ग्राफ, ग्राफ में भी दो पढ़ना है। तो आपको ग्राफिकल अप्रोच में दो सिर्फ पढ़ना है, एक ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल सकते हो, जो एक का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब सिर्फ दूरी और
और टाइम के बारे में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा जो है हमारा वो पढ़ना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको डिस्टेंस भी बोल दो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो। ग्राफ में क्या है, ऐसे एक ही जैसा दिखाना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ का नाम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये होगा। इसका नाम अगर प्यार से बोलो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो एस टी ग्राफ है कि नहीं। या फिर कभी कभी एस डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, ये सब टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद दूसरे ग्राफ का नाम होगा वीटी ग्राफ। तो वीटी, वीटी मतलब डरना नहीं है, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम की बात। ओके, तो चलिए यार पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालते हैं बिना कुछ वर्ड किए हुए, कुछ बात करूंगा मैं, चलिए देखते हैं। और यहां पर एक और टॉपिक कंप्लीट करूंगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कंप्लीट करूंगा मैं, क्यों अभी ग्राफ से ही पता चल जाएगा दो मिनट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो यहां पर एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा मान लो, देखो ये बात तो सब जानते होंगे कि कभी भी ये जो है लाइन, जो ऊपर जो लाइन वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, कौन सा भाई, वाई एक्सिस। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ग्राफ आपके पास, ग्राफ पेपर बहुत बचपन से पढ़ते रहोगे, ग्राफ पेपर आपके पास रहता होगा, तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो क्या काम करेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, यहां पर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, और यहां पर टाइम ले लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और यहां पे टाइम। यहां पे क्या काम करूंगा मैं, यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे एक तरफ वेलोसिटी ले लूंगा और एक तरफ टाइम ले लूंगा, ठीक है। अब इसके बीच में ग्राफ बना रहे, इसके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा भाई, मान लो कोई एक गाड़ी है, ठीक है, मान लो कोई एक गाड़ी है यहां पर, यह टाइम मान लो एक जीरो सेकेंड, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन चार, ऐसे है। यहां पे एक मीटर या दस मीटर मान लो, टेन मीटर, फिर ट्वेंटी मीटर, फिर थर्टी मीटर, मान लो ऐसे अलग अलग मीटर दे रखा हो, टेन ट्वेंटी थर्टी, एक दो तीन चार, ऐसे सेकंड दे रखा हो। अब मैं बोलूं कि एक गाड़ी है जो एक सेकंड में दस मीटर जा रही है, कितना भाई, एक सेकंड में दस मीटर जा रही है, ठीक है भाई, एक सेकेंड में यहां पर कोई गाड़ी है जो 10 मीटर जा रही है बेटा। तो ग्राफ पेपर से अगर करोगे ना बहुत क्लियर हो जाएगा, देखो एक ये आगे इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, ऑटोमेटिक जहां पे मिलेगा वहीं पे ऐसे निशान लगा दो, ऐसे पॉइंट लगा दो। फिर मैं बोलू फिर से एक सेकेंड में, देखो ये फिर से एक से दो के बीच में एक सेकेंड होगा ना भाई, फिर से एक सेकेंड में फिर से 10 मीटर जा रही है, अच्छा कोई बात नहीं यार, फिर से जो है एक सेकेंड में फिर से कितना जा रही है, 10 मीटर, देखो ना इसके बीच में 10 मीटर है, 10 से 20 के बीच में कितना होगा भाई, 10 मीटर। फिर से मैं बोलूं वही गाड़ी सिर्फ एक सेकंड में, देखो फिर से यहां की इसके बीच की दूरी एक सेकंड है, मैं बोलूं फिर से एक सेकंड में फिर से इतना कितना हुआ, 10 मीटर जा रही है, चलो भाई चलो मान लो। तो हर सेम टाइम डिफरेंस में, सेम टाइम इंटरवल में सेम दूरी जा रही है, मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर जा रही है। तो एक बात बताओ, सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी। अब देखो अगर ऐसे ग्राफ बन जाए, इसको जब मिलाओगे सब, तो कुल मिला जुला कर ऐसे लाइन पूरी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे रहे और ग्राफ ऐसे सीधा सीधा रहे, तो समझ जाना कि जो गाड़ी है उसका स्पीड एक जैसा है, कांस्टेंट है, स्पीड बदल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे जितने टाइम में जितना दूरी जा रही है, हर उतने टाइम में उतना उतनी दूरी, तो सेम टाइम में सेम दूरी। तो इसको अगर जब कभी कोई चीज सेम टाइम में सेम दूरी रहे बेटा, इसी का नाम तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी लाइन सीधी सीधी रहे तो आप समझ जाना कि वो चीज यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊं यार, कोई छोटी सी बात है, आप देखो यहां से, आप देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो चलो पहले इसके लिए निकालते हैं,
तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो अगर इसकी बात करो, इसकी इस वेलोसिटी निकाल लो, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर और टाइम कितना है वन सेकेंड, तो हो गया 10। अब अगर इस पॉइंट की बात करो दूसरे वाले की, फिर से यहां पे भी टाइम कितना है 1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है सिर्फ 10 मीटर, देखो ना 10 मीटर, फिर से आएगा 10, फिर से यहां पे टाइम कितना है 1, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, दूरी कितना है बताओ 10, तो 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 1, 10, तो हर जगह वेलोसिटी 10 10 10 10 आ रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बना रहे और एक सिंगल लाइन रहे, पूरी पूरी एक स्ट्रेट लाइन रहे, तो आप समझ जाना कि वो क्या हो रहा है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कुछ भी बोल दो सब बात एक ही है। काम समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, काम की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब कभी सीधा लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हमने बता दिया या आपको समझा दिया कि यहां पे ऐसा लाइन सीधा होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, कभी भी ये जो वाई एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस से डिवाइड करोगे, देखो वाई एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस मतलब टाइम, तो वाई एक्सिस को डिवाइड बाई एक्स एक्सिस करोगे तो बार बार आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ क्या मिलेगा भाई, सीधा सीधा बात वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इसी पे होने वाला है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप ये जानोगे नहीं, छोटी सी बात है ना, हल्के में लोगे अभी झेलोगे फिर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से स्टार्ट होगा, यहीं से समझ में आएगा। अच्छा एक बात और जानकारी मैं बताना चाहता हूं, यहां पे ध्यान से समझो, जब तक दिल पे नहीं उतरेगी ना बात समझ में आने वाली नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा, तो दिल पे उतारो बात को। देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे टाइम है, मैं बोलो अभी गाड़ी 0-0 पे, मतलब ना तो उसका कोई टाइम है और ना तो उसका कोई डिस्टेंस है, मतलब रुकी हुई है, तो यहां पे गाड़ी रुकी हुई है तो इसका इनिशियल स्पीड बेटा कितना है 0, इनिशियल टाइम कितना है 0। बाद में देखो इसका टाइम, इसका स्पीड क्या हुआ, इसका जो है डिस्टेंस क्या हुआ बढ़ गया, इसका टाइम क्या हुआ बढ़ गया, बात को समझना। यहां पे इनिशियल स्पीड 0 है, कभी जरूरत अगर पड़े तो बता भी सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब आप बोलो यार सर यूनिफॉर्म बता दिए, तू नॉन यूनिफॉर्म नहीं बता रहे हो बहुत आसान है यार नॉन यूनिफॉर्म बताना। मैं बोलू एक कोई गाड़ी है, इसको मिटाओ, गया मिटा दो, ठीक है, ऐसे देख लो पहले अच्छे से, मिटा दे रहा हूं, ओके। मान लो कोई गाड़ी है और उसका जो टाइम है भाई वो क्या हो रहा है, एक सेकेंड में मान लो 20 मीटर जा रही है, यो एक सेकेंड में 20 मीटर जा रही है, फिर दूसरे सेकेंड में अगर देखा जाए तो 10 ही मीटर जा रही है, तो ग्राफ जो है अभी देखो दूसरे सेकेंड में 10 ही मीटर जा रही है, फिर तीसरे सेकेंड में 5 मीटर जाए, मतलब क्या है उसका कोई ठिकाना ना हो कितने टाइम में कितना दूरी जाए। कोई गाड़ी हो आमतौर से जो गाड़ियां होती भाई किसका कोई ठिकाना नहीं होता, ट्रैफिक में चल रहे हो तो स्लो हो जाती है, फिर क्या है हाईवे पा रहे या थोड़ा सा रोड खाली पा रहे हो तो स्पीड थोड़ा सा क्या हो रहा है बढ़ा दे रहे हो, तो अपना जो बाइक नॉर्मली गाड़ी फोर व्हीलर कुछ भी जो हम लोग ट्रैवल करते हैं उसमें कभी भी स्पीड ना कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला हाईवे मिला हो तो बात की बात है एक जैसा स्पीड हो पाता है, नहीं तो स्पीड क्या अपना चेंज होता रहता है, ठीक है। तो स्पीड अगर चेंज होता रहेगा, कभी कम टाइम में ज्यादा दूरी जा रहे हो, कभी ज्यादा टाइम में कम दूरी जा रहे हो, अगर बदलता रहे अपना आपका टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट है दूरी अगर बदलता रहेगा, मान लो ऐसे से ग्राफ बन जाए, देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे कुछ बन जाए ग्राफ, तो कुछ अजीब सा दिखेगा, सीधा सीधा नहीं दिख रहा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, देखो ना, तो इसी का नाम बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब भाई, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बराबरी, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या बराबरी नहीं, ठीक है। अमीर का बेटा है तो फिर पहन करा रहा है अपना अलग अलग स्टाइल में, गरीब बेचारा तो पता चल रहा है, तो ये सब क्या है फर्क पैदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, बात समझ में आया। मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बता दिया, मेरा दो काम हो गया, एक तो ग्राफ भी बता दिया और एक तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बता दिया। चलिए आगे करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसे इसको पढ़े यार ऐसे इसको भी पढ़ो, कौन सी बड़ी बात है। यहां पे भी ऐसे ले लो कि मान लो कोई गाड़ी है भाई जहां रुकी हुई है 0-0 पे है,
अब मान लो एक सेकेंड, फिर यहां पे दो सेकेंड, फिर यहां पे तीन सेकेंड, ऐसे मान लो करते चले जाओ। आपके पास ग्राफ पेपर लो, उसमें बनाते चले जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद मैं मान लूं यहां पर वैसे वेलोसिटी अगर ले लिया जाए, मान लो दो मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ले रहा हूं अपनी मर्जी से। हाँ, नहीं तो बोलो नहीं सर मैं 6 नहीं लूंगा। भाई आपकी मर्जी, आप जो दिल करे वो ले लो, मैं 2, 4, 6 ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट याद रखना किसमें, वेलोसिटी है यहां पर, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। तो 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये टाइम है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, याद रखना। अब मैं बोलूं एक कोई गाड़ी है जिसका जो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड बढ़ रहा है, अभी डिस्टेंस नहीं बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस गया, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। हर 2 सेकंड में, मतलब गाड़ी यार देखो, हर 2 सेकंड में गाड़ी क्या है उसकी स्पीड ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, फिर से 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए। फिर से 1 सेकंड में, देखो इनके बीच में 1 सेकंड है, फिर से 1 सेकंड में फिर देख रहे हैं कि भाई फिर से बढ़ा दिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड। इसके बीच में देखो 2 का गैप है, देखो 4 और 6 के बीच में कितना होगा भाई, 2 का गैप। तो मैं देख रहा हूं यार कि गाड़ी का जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, कैसे, हर सेम टाइम में सेम वेलोसिटी, बात को समझो, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी कवर कर रही है, वेलोसिटी सेम टाइम में सेम है, देखो ना, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर से 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर से 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। तो जब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से जितने टाइम में सेम वेलोसिटी, मान लो हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी क्या है, लगातार सेम टाइम में सेम वेलोसिटी है, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी है। तो जरा बताओ यार यहां पे खुद कि एक्सीलरेशन क्या होगा, बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन बराबर, पहले आपको एक्सीलरेशन मतलब होता क्या है पहले यह जानना पड़ेगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बार बार यहां पे क्या है, सेम है, कुछ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी तो सेम है। यहां पे भी देखो वेलोसिटी की बात करो 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड, इसके बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी सेम है। तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पे ये जो ग्राफ बनाओगे, देखो ये लाइन कभी की क्या करोगे, ये सब मिला दो, जो लाइन जब मिलाओगे ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा लाइन रहेगा, तो सीधा सीधा एक ग्राफ, एक लाइन बनेगा, एक सीधा सीधा एक ग्राफ बनेगा। तो याद रखना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म ही हुआ, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और अगर यहां पे देखा जाए तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हर जगह जीरो मिलेगा, कैसे, बार बार जो वेलोसिटी के अंदर बदलाव आएगा वो सेम आएगा। आपने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये बात अच्छे से पढ़ा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर तो बदलाव ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हर जगह 2 मीटर का फर्क है, तो सेम टाइम में 2 मीटर 2 मीटर, तो इनिशियल भी 2 मीटर, फाइनल भी 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। तो यहां पे एक्सीलरेशन जो मिलेगा जीरो, और जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। तो यहां पे देखा जाए तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो जाए, मतलब गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो सेम है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल किसी के पास है, मेरे पास है, कौन सा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में यही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो सेम होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है जमीन पर। इसीलिए कभी भी आप ये प्रैक्टिकली किया गया है कि अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल के अंदर पूरा पानी भर दो, और ये मार्कर एक बाल ले लो छोटा सा, और दोनों को गिराओगे, दोनों साथ में गिरेंगे, बोलोगे सर नहीं नहीं, नहीं बाल जो है हवा में रहेगा, मैं क्या काम कर रहा हूं, हवा को निकाल दो, ऐसा प्रैक्टिकली किया गया, वैक्यूम कर दो, हवा पूरा निकल जाए, पूरा वैक्यूम कर दो, और उसके बाद क्या काम करो, एक छोटा सा ये बाल ले लो और इसमें पूरा एक बड़ा सा पत्थर ले लो, दोनों को साथ में गिराओगे तो दोनों एक साथ में गिरेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है, जो जमीन खींच रही है उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों के दोनों क्या है, दो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिकली किया गया है, तो यहां पे वही बात है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, सबके लिए हर कंडीशन के लिए एक्सीलरेशन सेम है, और वेलोसिटी यहां पे कितना हो गई,
जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये ग्राफ को हम सीधा सीधा बोलेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ग्राफ, और यहां पे बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। कुछ भी ले लिया जाए, कोई भी कांस्टेंट लिया जाए, कहने का मतलब इसका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और ये भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ये भी अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वही फिर से बात करूं, कोई कोई गाड़ी है भाई, वेलोसिटी ऐसे बदल रही है, देखो ना, ऐसे कोई टीनएजर्स जो चलाते हैं, ठीक है, ऐसे गाड़ी को एकदम एक्सीलरेट करके कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन को लगातार चेंज करेंगे, उसकी वेलोसिटी को बदलोगे भाई, कम कभी ज्यादा एकदम जबरदस्त तरीके से, तो क्या होगा, उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो वह उस वक्त यूनिफॉर्म मोशन नहीं रह जाएगा। उस वक्त जो गाड़ी का मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा। कितनी छोटी सी बात है ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे जिगजैग, हाँ देखो ना, जिगजैग बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं यार, बहुत आसान है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, बस सिंपल सा। तो अगर मैं 2-3 ग्राफ ऐसे दूं, ये बात समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा ये सोच रहे हो यार इतना ज्यादा पढ़ा है, इसकी जरूरत क्या है, अभी पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं एक बात जानकारी दे दूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही बात करने वाला हूं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, उसको मैं डिराइव करूंगा ऐसे ही चुटकियों में, ये समझ में आ जाए बस। क्या काम करेंगे, आपको ये जानना है कि कोई भी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसी को यूज करके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगे। न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, क्या दिया था भाई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, बस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था। लेकिन जो न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, याद रखना, सिर्फ वो वैलिड है, सिर्फ उसको अप्लाई कर सकते हो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम नहीं करता, इसलिए न्यूटन हर जगह सक्सेस नहीं है। देखो ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ बनाओ, किसी से पूछो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा लाइन हो तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हो गया भाई, तो आगे चलकर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ लूंगा मैं, और इसी से पूरा पूरा मैं कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले अभी कुछ जानकारी इसमें दे रहा हूं एक्स्ट्रा, इसी से पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है। तो 2 बातें मैं इससे बोलने वाला हूं, इसी से ग्राफ से उसको यूज करो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वही बातें बताता हूं मैं कि दो बातें रहेंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, उन्हीं को उठाएंगे, तो कुछ उसमें बातें रटना होगा कि भाई अगर देखा जाए वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इनके रेशियो को क्या रिलेशन होता है, इनका कैसे कैसे बातें ये कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ही उसको प्रूफ करूंगा मैं, और कुछ ग्राफ से ही यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाउंगा, और इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या है पूरा पूरा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो वहीं पे इसके बारे में बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर भी यहां पे बताऊंगा फिर से वहां पे बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को भूलने की आदत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।